डिपेंडेट इन चैनल में मैं आज आपको बेबी के लिए और टीन के लड़के के लिए सुंदर सा कैप टोपी का डिज़ाइन लेकर आई हूँ ये सर की गोलाई के हिसाब से फंदे लेकर आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं जिस साइज में आप सर की गोलाई के हिसाब से फंदे लेंगे उसी साइज का ये आपसे आप, आप बनकर आता है अब देखिए इसमें टेंकी मल्टीपल का हिसाब से फंदे लेना है और सर की गोलाई के हिसाब से और दो फंदे एक्स्ट्रा रखना है सिलाई करके जोड़ने के लिए ये मैं एक साल से बारह साल का लड़की के लिए बना रही हूँ अगर आप किसी भी साइज में बनाना चाहते हैं तो फंदे कम बेसि करा कर आसानी से बीन सकते हैं इसमें मैं सेवेंटी टू फंदे आ रही हूँ सेवेंटी टू फंदे डालने के बाद देखिए इसमें सीधी डिजाइन एक दो तीन चार पाँच छः बना रही हूँ सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीन इसी तरीके से बनाइएगा इस तरीके से बिनने से ये पलट जाता है पर आपको इसी तरीके से बिनना है सेवेंटी टू फंदे ले रही हूँ ये मैं डेढ़ साल से बारह साल का लड़की के लिए बना रही हूँ धागा मैं थ्री पला का धागा डबल करके ले रही हूँ आप चाहे तो धागा का साइज और नीडल का साइज चेंज करके भी है आराम से किसी भी साइज़ में बना सकते हैं यहाँ से देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है इस तरीके से आपको बाईस फंदे तक सीधी सीधी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह यार दो न फंदे में बीन चुके हूँ अब देखिए इधर मैं मार्कर लगाती हूँ इसका कोई भी जरूरत नहीं है सिर्फ आपको आसानी से सिखाने के लिए मैं लगा रही हूँ अब देखिए यहाँ से आपको फिर बिन्न है इस तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए अट्ठाईस फंदे बिन्न है देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए आ रही हूँ अट्ठाइस फंदे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह चौदह दूना अट्ठाईस फंदे मैं बीन चुकी हूँ इधर भी मैं मार्कर लगाती हूँ अब देखिए इस साइड में फंदे गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह दूना बाईस इस तरीके से टोटल फंदे को आपको तीन भाग में लगानी है साइज का हिसाब से फंदे आप गड़बड़ गार करा सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी के लिए आप 62 टू फंदे लेकर बनाइएगा मीडियम साइज के लिए 72 और फिर बड़ा साइज़ के लिए 82 अब देखिए इतनी फंदे लेने के बाद दो फंदे दो का एक अब देखिए किस तरीके से फंदे को तीन भाग में लगा देना है वो भी मैं लेख रही हूँ वो देख कर भी आप बना सकते हैं अब देखिए इधर का मैं मार्कर निकाल दे रही हूँ अब देखिए यहाँ से आपको सर्फ रो विधि से बिनाई मिलना है अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बनाती हूँ फिर दूसरा साइड भी इसी तरीके से कटाई करनी है दो फंदे दो कायक बीनते हुए बहुत ही आसान है अब देखिए दागे पीछे लेकर जाना है मार्कर का आगे का दो फंदे में दो कायक बीन देना है अब देखिए इस तरीके से आप बनाइएगा अब देखिए यहाँ से यहाँ तक सट रो विधि से आपको बिनाई बिनना है तीन भाग लगाने के बाद अब देखिए ये मार्कर का कोई भी जरूरत नहीं है तागी पीछे लेकर जाना है अब देखिए यहाँ से फिर सीधी सीधी बना देना है अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बीनने के बाद इधर भी दो फंदे दो कायक अब इसी तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है अब देखिए इधर बाईस फंदे इधर भी बाईस फंदे और बीच में मेरा अट्ठाईस फंदे में इस तरीके से मैं बिन रही हूँ 6-6 फंदे घटाते हुए अब देखिए इसका ऊपर का फंदे भी गिनते हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ मतलब आठ दोनों सोलह फंदे बाकी हैं दोनों साइड में छ फंदे घटा चुकी हूँ जितनी भी आपके पास फंदे हैं इसी तरीके से कटाई करके बेनने हैं छे छे फंदे दोनों साइड और देखिए देखिये छे, छे फंदे दोनों साइड कटाने के बाद फिर आपको बाकी का फंदे सीधी सीधी बनानी है मैं आपको बता चुकी हूँ साइज का हिसाब से फंदे गड़बड़ करा सकते हैं सिर्फ आपको दोनों साइड फंदे घटानी है और बाकी के फंदे में इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है जितनी भी आप साइज में बना रहे हैं अब देखिए लास्ट का एक फंदा सीधा तो देखिए इस तरीके से बनानी है देखिए इधर एक दो तीन चार पाँच छे अब देखिए ऊपर में हम बिना कटाई का बना रहे थे इसलिए इसका नीचे का जो घटाई वाला से आपको फंदे उठानी है अब देखिए पलटनी है फिर दूसरी साइड इसका बैक साइड है बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनने है बहुत ही आसान है और आसानी से बन जाता है आप भी जरूर ट्राई करिएगा और ये सिर्फ मैं अभी कैप बना रही हूँ कैप का एड़ी और कैप का एडी आप इसी तरीके से आसानी से किसी भी डिजाइन डालकर कैप का एडी बना सकते हैं अब देखिए इसी तरीके से बीनते हुए मैं का लास्ट में आ रही हूँ फिर लास्ट में आपको इसी तरीके से फंदे उठानी है अब देखिए इधर फिर एक फंदे उठाएंगे देखिए इस तरीके से लेना है फिर उठा देना है और पलटनी है दूसरी साइड मतलब सीधी साइड पलटनी है फसवंदा बिना बिना मियाँ से फिर सीधी सीधी बना लेना है बहुत ही बनाने में इजी है और इजी तरीके से बनकर आता है अभी तक दीपा नेटिंग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा और विजिट करके देखिएगा इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरे चैनल में काफ़ी सारा है अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ फिर एक फंदे उठा देना है देखिए इस तरीके से फिर दूसरी साइड पलटनी है बैक साइड में और बैक साइड से फिर आपको उल्टी बिनाई बिनते हुए बनानी है फंदा बिना बिना और सारी फंदे उल्टी बिनाई अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए आपको बनानी है अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ ये लास्ट वाला फंदा है इसको बिनना है फिर इधर साइड एक फंदे उठा दे रहा है तो देखिए इस तरीके से एक फंदे उठाएंगे इसी तरीके से बीनते हुए आपको बनानी है फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से फिर सारी फंदे सीधे सीधे अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनते हुए इतनी बना चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है देखिए यहाँ से फिर आपको ये लास्ट वाला चेन उठा देना है और पलटनी है दूसरी साइड और सारी फंदे उल्टी बिनाई अब देखिए इसी तरीके से मैं फिर बिनाई का लास्ट में आ रही हूं इधर साइड भी आपको एक फंदे उठानी है देखिए इस तरीके से एक फंदे उठानी है फिर पलटनी है सीधी साइड अब सीधी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना और बाकी का फंदे सीधी सीधी एक दो तीन इसी तरीके से आपको अट्ठाइस फंदे सीधी सीधी बना लेना है अब देखिए अट्ठाइस फंदे बीनने के बाद बाकी का बाईस फंदे भी सीधी सीधी बना लेना है अब देखिए इसी तरीके से मैं बाईस फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ तो देखिए ये इस तरीके से बनकर आता है अब इसका बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिनाई तो देखिए यहाँ से फिर आपको सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिनाई बीन देना है अब देखिए ये एडी के लिए है और ये देखिए ये हम बाद में सिलाई करके ये डबल बॉर्डर इसमें बनाएंगे एडी रखने के बाद अभी हम इसमें सिलाई करते हैं तो फिर बिनाई में कठिनाई आता है इसलिए मैं ये लास्ट में एडी रखने का सोच रही हूँ अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद लास्ट का एक फंदा भी उल्टा तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब तो देखिए ये एडी का भाग बन चुका है एडी के भाग बनने के बाद ये देखिए सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनकर आपको इसका ऊपर बनानी है ये देखिए ये सीधी का डिजाइन बारह सीधी का डिजाइन इसका ऊपर बिन्ने है अब देखिए इसका ऊपर इतनी मैं बीन चुकी हूँ सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बीन का ये सीधी का डिजाइन गिनते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सीधी का डिजाइन बन चुका है सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी बिनने के बाद ये इस तरीके से फोल्ड होता है पर आपको इसी तरीके से बिनना है और ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप किसी भी डिजाइन डालकर ये क्या वाला टोपी बना सकते हैं जरूरत नहीं है कि ये जो पत्ते वाला डिजाइन डालकर आप सिर्फ बना सके ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी डिजाइन डालकर बना सकते हैं जेंट्स लेडीज बेबी के लिए देखिए फर्स्ट फंदा भी नहीं बिना यहां से देखिए एक दो तीन चार और ये पांच पांच फंदा उल्टा भी नहीं तागे पीछे अब देखिए यहाँ से पांच फंदा फिर सीधा एक दो तीन चार पाँच ये दस फंदे का डिज़ाइन है दस की मल्टीपल का हिसाब से ये एक सिलने के लिए है यहाँ से पैटर्न हमारा रिपीट होता है पांच फंदा उल्टा पांच फंदा सीधा फिर पांच फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच इस तरीके से ताकि पीछे पांच फंदा सीधा एक दो तीन चार पाँच इस तरीके से बनाइएगा इसी बात को रिपीट करते हैं देखिए दो पैटर्न इसमें बन चुका है ये एक सिलने के लिए है पाँच फंदा उल्टा पाँच फंदा सीधा पाँच फंदा उल्टा पाँच फंदा सीधा तो देखिए इसी तरीके से आपको बनानी है आप देखिए इस तरीके से बीनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ पाँच फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच ताकि पीछे पाँच फंदा सीधा एक दो तीन चार और ये पाँच पाँच फंदा सीधा फिर देखिए लास्ट का एक फंदे भी सीधा तो देखिए इस तरीके से आपको बनानी है अब देखिए इसका बैक साइड से बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना है यहाँ से आपको सारी फंदे उल्टी बिना भी बिनने हैं। अब देखिए इस तरीके से उल्टी बिना भी बिनते हैं मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ और लास्ट का एक फंदे भी उल्टा इस तरीके से आपको बनानी है बहुत ही आसान है अब देखिए इसका सीधी साइड से सीधी साइड में देखिए ये जो है इस तरीके से फोल्ड करके हम इसका ऊपर बाद में सिलाई करके डबल बॉर्डर बनाएंगे ये इसके लिए मैं ये डिजाइन बना रही हूँ ये बीच में एडी लगानी है अब देखिए इधर साइड भी इसी तरीके से डबल बॉर्डर बनाएंगे अब देखिए इसका ऊपर फसफंदा बिना बिना ये एक्स्ट्रा वाला फंदा है एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदा उल्टा भी नहीं, अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है दो फंदा सीधा एक और ये दो इस तरीके से तागा आपने और जाली बनाते हुए एक फंदे सीधी देखिए इस तरीके से तागा आपने और इस तरीके से लेना है और जाली डालते हुए दो फंदा सीधा देखिए इसका दाया और बाया में ये जाली बन जाता है एक में बीन चुके हूँ दो इस तरीके से दो फंदे सीधा फिर देखिए पांच फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच फिर धागे पीछे दो फंदा सीधा एक और ये दो धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी और एक फंदा सीधा तो देखिए इस तरीके से इसी बात को आपको रिपीट करनी है मतलब ये बीस सेंटर का दाया और बाएँ में आपको एक एक जाली डालते हुए बनानी है अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ पाँच फंदा उल्टा बिनाई

एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी सारा मेहनत लगता है इसलिए अगर आपको थोड़ी भी मेरा भी ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए दोस्तों शेयर करना मत भूलिए और इस तरह का आसान और यूनिक प्रोजेक्ट मेरा दीपा नेटिंग चैनल में काफ़ी सारा है एक बार ज़रूर विजिट करिएगा आप देखिए इसमें और इसमें दो जाली बन चुका है अब देखिए इसका ऊपर बिनने के तरीके बताऊंगी फर्स पंदा बिना बिना धागा आपने और पांच फंदा उल्टा बिनाए एक दो तीन चार और ये पांच पांच फंदा उल्टा बिनाए ताकि पीछे अब देखिए फिर दो फंदा सीधा एक और ये दो दो फंदा सीधा अब देखिए जाली वाला फंदे भी सीधी बिनने है फिर अपनी ओर और, और ये सीधी का दाया और बाएँ में आपको जाली डालते हुए बनानी है देखिए इस तरीके से फिर इधर भी ये जाली का आगे में जाली डालते हुए जाली वाला फंदा सीधा अब देखिए फिर दो फंदे सीधी इसी तरीके से इसका दाया और बाएँ में फंदे डालते हुए इसका ऊपर बिनना है अब फिर इधर एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदा उल्टा भी धागे पीछे तीन फंदा सीधा एक दो और ये जाली वाला भी सीधा तो देखिए इस तरीके से तीन फंदे सीधे धागा आपने और ये सीधी का दाया में एक फंदे डालनी है धागा आपने और फिर बाएं में भी एक फंदे और जाली वाला फंदा सीधा एक दो तीन इस तरीके से तीन फंदे सीधे देखिए ये बीच का सीधी का दाएं और बाएं में आपको फंदे डालते हुए बनानी है अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है देखिए जाली वाला फंदा एक दो तीन चार पाँच पाँच जाली इसमें मैं डाल रही हूँ अब देखिए इतनी डालने के बाद फंदा बिना बिना तागा आपने और अब देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदा उल्टा भी नहीं अब देखिए यहाँ से ताकि पीछे लेकर जाना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह मतलब आपको सारी फंदी सीधी सीधी बनानी है बिना जाली का अब देखिए धागा आपने और पाँच फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच फिर पंद्रह फंदे सीधी इसी बात को आपको रिपीट करनी है अब देखिए मैं लास्ट में आ रही हूँ सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है मतलब आपको जो जाली हम डाल रहे थे अब इसका ऊपर बिना जाली का बिन्ने है पांच जाली वाला डिजाइन बनाने के बाद अब देखिए इस तरीके से ये बनने के बाद अब इसका बैक साइड से बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना भिन्ने है, हैं और सीधी साइड से सीधी इसी तरीके से आपको इतनी भिन्न हैं अब देखिए ये कितनी बिन रही हूँ गिनकर दिखाती हूँ एक दो तीन चार पाँच सीधी का डिजाइन बनानी है अब देखिए ये अभी तक मैं ये थ्री पना का धागा डबल करके बना रही हूँ पर इसका ऊपर मैं ये फोर पना का धागा का यूज कर रही हूँ इसका ऊपर मैं लाइट कलर लगाना चाहती हूँ पत्ते का बीस सेंटर में अगर आप एक ही कलर का धागे से भी बना सकते हैं एक फंदे बढ़ानी है और बाकी में देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदे फिर बीनना है फिर एक फंदे बढ़ा देना है तो देखिए ये पांच फंदे का दाया और बाएँ में हम एक एक फंदे बढ़ा रहे हैं अब देखिए पांच फंदे से सात फंदे एक दो तीन चार पाँच छः सात इस तरीके से फिर देखिए दो फंदे दो का एक इस तरीके से बनानी है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह बारह फंदे बीनने के बाद ये दो फंदे पलट देना है फिर बैक साइड से काटी डालकर दो फंदे दो काय बीन देना है तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए ये पत्ते में आम घटाई कर रहे हैं अब देखिए इधर भी फिर एक फंदे बढ़ानी है इस तरीके से फिर पांच फंदा उल्टा एक दो तीन चार पाँच फिर इधर भी एक फंदे बढ़ा देना है तो देखिए इस तरीके से एक फंदे बढ़ा देना है मतलब पांच फंदे से सात फंदे बनानी है और इधर घटाई करनी है दो फंदे दो एक बाकी में आपको सारी सीधी सीधी बनानी है लास्ट में आपको दो फंदे में घटाई करनी है तो देखिए इस तरीके से बिनने के बाद लास्ट में दो फंदा है इसमें देखिए ये फंदे इस तरीके से पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर दो फंदे दो एक बना देना है अब देखिए ये घटाई आप दो तरीके से करा सकते हैं देखिए फिर आप ये दोनों फंदे इस तरीके से पलट कर भी बना सकते हैं और बैक साइड से काटी डालनी है और दो फंदे दो का आपको दो तरीके बता रही हूँ जिस तरीके से आपका आसान लगता है उसी तरीके से बनाइएगा लास्ट का एक फंदा सीधा अब देखिए इसका बैक साइड से फस फंदा बिना बिना यहाँ से आपको सारी फंदे इसी तरीके से उल्टी बिना बिनना है अब देखिए उल्टी बिना बिनते भी हुए मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ अब इसी तरीके से बनाइएगा इसका बैक साइड से उल्टी बिनाई बिनते हुए और लास्ट का एक फंदा उल्टा तो देखिए इसकी सीधी साइड सीधी साइड में ये पत्ते हम जिस तरीके से बनाए थे उसी तरीके से इधर साइड बनानी है इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर दो फंदा उल्टा बिनाई एक और ये दो दो फंदा उल्टा बिनाई धागे पीछे एक फंदा सीधा बिनाई अब देखिए धागा अपनी ओर एक फंदा जाली डालते हुए सीधी धागा अपनी ओर एक फंदा जाली डालते हुए सीधी तो देखिए सीधी का दाएं और बाएं में आपको फंदे डालनी है धागा आपने और बाकी के दो फंदे में आपको उल्टी बीनाई तो देखिए इस तरीके से बनानी है धागे पीछे अब देखिए इधर फिर घटाई करनी है दो फंदे दो का एक तो तरीके से बाकी में सीधी सीधी अब देखिए इसी तरीके से बनानी है बाकी में सीधी सीधी बीनते हुए और फिर लास्ट का दो फंदे में आपको घटाई करनी है दो फंदे दो एक बीदी से अब देखिए ये लास्ट का दो फंदे हैं ये फंदे पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर दो फंदे दो का एक तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ और ये डिजाइन देखिए इस तरीके से बनकर आता है एक दो उल्टा धागे पीछे एक सीधा जाली डालते हुए एक फंदे सीधी धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी धागा अपनी ओर दो फंदा उल्टा ये और ये दो अब देखिए इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनने इसका दाया और बाएं में फंदे डालते हुए और इधर कटाई करनी है इसी तरीके से लास्ट में आपको तीन फंदे रानी तक इसी तरीके से बीनना है इसी तरीके से जाली बनते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से इतनी बीन चुकी हूँ और ये इस तरीके से बनकर आ रहा है देखिए इधर तीन फंदे बाकी हैं कटाई का और इतनी महीने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अब इतनी महीने के बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच अब देखिए इधर जो जाली वाला है उसको भी सीधी और बीच का भी सीधी और फिर ये जाली वाला के भी सीधी मतलब आपको बिना जाली का बीनना है इसी तरीके से सीधी सीधी बिनती हुए जब पत्ते में तीन फंदे घटाई का बाकी होता है तब आपको इसी तरीके से बीनना है मतलब देखिए इधर तीन फंदे दूसरी पत्ते में बाकी है और वो तीन फंदे बाकी होने के बाद इस तरीके से बीनने हैं दो फंदा उल्टा बिना है अब देखिए ये तीन फंदे में घटाई करनी है दो फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है तो देखिए इस तरीके से तागा आपने और फिर दो फंदा उल्टा एक और ये दो इसी तरीके से आपको बनानी है इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बीनती हूँ ये पत्ते का दो फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बिनना है और ये दो फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है तो देखिए इस तरीके से लास्ट का एक फंदा सीधा तो देखिए अब इसका बैक साइड से फसफंदा बिना बिना ये साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिना बिनना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं बिना का लास्ट में आ रही हूँ अब भी इसी तरीके से बनाइएगा बैक साइड से सारी फंदे उल्टी बिना बिनते हुए ये हम शुरू से अभी तक बैक साइड से इसी तरीके से उल्टी बिना बिनते हुए बना रहे हैं अब देखिए सीधी साइड से फसफंदा बिना बिना अब देखिए एक दो दो फंदा उल्टा देखिए दो फंदा बीनने के बाद अब देखिए यहाँ से पत्ते का फंदा है जो हम बढ़ाए थे ये सारी फंदे इसी तरीके से सीधी सीधी बना लेना है अब देखिए इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं ये पत्ते का लास्ट में आ रही हूँ तो देखिए इस तरीके से तागा आपने और फिर दो फंदा उल्टा भी नहीं अब देखिए ये जो है डिज़ाइन का इसको भी उल्टी भी नहीं मतलब आपको इधर पांच फंदा उल्टा भी नहीं बिनना है इस तरीके से आगे पीछे अब देखिए इधर ये देखिए पत्ते का ऊपर में उल्टी बिनाई बिनकर पाँच फंदा उल्टा बिनाई बना रही हूं एक दो तीन आगे पीछे लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से आपको बनानी है और बैक साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई अब देखिए ये इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच छ छ बनानी है अब देखिए इतनी होने के बाद इसका ऊपर मैं फिर दिखा रही हूँ आपको देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए धागा आपने और एक दो दो फंदा उल्टा धागे पीछे अब फिर देखिए दो फंदे दो का मतलब पतले में घटाई करनी है और बाकी का सारी सीधी सीधी अब देखिए इसी तरीके से पत्ते का सारी फंदे में सीधी सीधी बिनने हैं अब देखिए ये पत्ते का फंदे सीधी सीधी बीनने के बाद जब पत्ते का फंदे दो बाकी रहता है उसी में आपको घटाई करनी है अब देखिए पत्ते का दो फंदे बाकी हैं इसमें फंदे पलटनी है और बैक साइड से काटी डालकर दो फंदे दो का इस तरीके से बिनना है अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं इतनी बीन चुकी हूँ अब देखिए इसका ऊपर तीन फंदे घटाई का बाकी हैं अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा आपने ओर अब देखिए इधर दो फंदे दो का एक तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा दो फंदे दो का एक धागे पीछे लेकर जाना है अब देखिए ये तीन फंदे बाकी हैं ये दो फंदे दूसरी काट में लेकर जाना है पीछे वाला फंदा बिन्नना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है तो देखिए इस तरीके से बनानी है फिर धागा आपनी ओर अब देखिए इधर एक फंदा उल्टा और दो फंदे दो का एक फिर दो फंदे दो का एक इस तरीके से आपको इसका ऊपर कटाई करनी है फिर दो फंदे दो का एक, एक फंदा उल्टा फिर दो फंदे दो का एक इस तरीके से पांच फंदे में कटाई करनी है ताकि पीछे लेकर जाना है दो फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है तागा आपने और अब देखिए इधर दो फंदे दो का एक, एक फंदा उल्टा भी नहीं लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए इसका बैक साइड से बैक साइड फसफंदा बिना बिना इस साइड से आपको सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनना है देखिए इस तरीके से बनाइएगा उल्टी बीन कर अब देखिए मैं बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनते हुए और लास्ट का ये फंदे भी उल्टा तो देखिए इस तरीके से बैक साइड से बिनने के बाद अब इसकी सीधी साइड से फसफंदा बिना बिना दो फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है अब देखिए फिर धागा आपने और एक फंदा उल्टा भी नहीं फिर दो फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बिनना है और ये दो फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनना है अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ रही हूँ एक फंदा उल्टा बिनाई ताकि पीछे लास्ट का एक फंदा सीधा तो देखिए इस तरीके से बिनना है अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना और यहाँ से देखिए सारी फंदे उल्टी बिनाए यही बैक साइड में अब देखिए बैक साइड में सारी फंदे उल्टी बिनाई बिनने के बाद अब इसकी सीधी साइड से सीधी साइड में देखिए दो फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बिनना है और ये फंदे इसी काबर से गिरा देना है अब देखिए ये फंदा सीधे है इसमें सीधी बिनना है तो देखिए इस तरीके से बनाइएगा एक फंदे सीधी बिनती हुए फिर दो फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बिनना है और ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है फिर एक फंदा सीधा फिर दो फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बिनना है और ये दो फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है फिर एक फंदा सीधा फिर दो फंदे दूसरी काटी में पीछे वाला फंदा बिनना है और ये दो फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है और लास्ट का एक फंदा सीधा इस तरीके से बनाइएगा अब देखिए इसका बैक साइड से बैक साइड में देखिए ये धागे इस में लगा देना है और सारी फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है तो देखिए इसका ऊपर फिर मैं थ्री पलाई का धागा डबल करके लेकर बीन रही हूँ अब देखिए इस तरीके से बीनने के बाद थोड़ी धागा खींचना है अब देखिए इसमें मैं दो कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो एक ही कलर का धागे से भी बना सकते हैं मेरे पास थोड़ा कम था इसलिए मैं दो कलर का यूज़ कर रही हूँ अब देखिए इसका ऊपर ये पुराना कैप का मैं एड़ी ले रही हूँ आप चाहे तो इसी तरीका का एड़ी की तरह हर चीज़ इसमें लगा सकते हैं अगर आपका पास नहीं है तो आप चाहे तो पुराना कैप का भी निकाल सकते हैं ये डिजाइन का नीचे देख रहे हैं ये डिज़ाइन है इसका नीचे में ये धारी वाला डिजाइन है इसी डिजाइन का आपको फंदे उठाकर सिलना है सीधी साइड से यह इस तरीके से आता है अब देखिए इसका ये ऊपर का गांठ वाला देख रहे हैं और इसका ऊपर का गांठ वाला इस तरीके से लेना है और सिल देना है देखिए इस तरीके से ऊपर ऊपर का गांठ लेकर आपको सिल देना है तारी वाला डिजाइन का तो देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए सिलते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ बहुत ही सुंदर ये नज़र आता है अब देखिए इसमें मैं ये एडी लगा रही हूँ अगर आपका पास ये एडी नहीं है तो आप कड़ा बकरम भी लगा सकते हैं और जो हार्ड चीज मिलता है उसी में आप एड़ी की तरह कट करके भी लगा सकते हैं देखिए ये मैं पुराना कैप का ले रही हूँ जो बेबी का पुराना कैप का एड़ी है उसी का मैं यूज़ कर रही हूँ तो देखिए इधर ये गांठ वाला लेना है और इधर का गांठ वाला ये लेकर इस तरीके से सिल देना है देखिए इस तरीके से अब देखिए इसी तरीके से सिलते हुए मैं यहाँ तक आ रही हूँ अब फिर इधर भी आपको एक दो बार गाँठ लगा देना है देखिए इस तरीके से एक दो बार इसमें गाँठ लगाएंगे अब देखिए ये इस तरीके से बनने के बाद इसको बैक साइड में पलटनी है और बैक साइड से आपको सिलाई करनी है अब देखिए इसमें थोड़ी अलग से आपको सिलाई करनी है देखिए इधर लेना है और इधर का ये वाला लेना है और सिल देना है अब देखिए फिर इधर का ये और इधर का ये इस तरीके से लेकर सिल देना है अब देखिए इधर साइड एक दो बार गांठ लगा देना है और ये धागा आपको लक लग लगा ये ये धागा मैं कट करती हूँ ये मैं खुद का बेटी के लिए न्यू बिना का डिजाइन निकाल रही हूँ और उसको परफेक्ट ये आ रहा है आठ साल से बारह साल का लड़की के लिए ये मैं क्या आपका डिजाइन बना रही हूँ नए डिजाइन बनाने में काफी सारा मेहनत लगता है इसलिए मेरा प्रत्येक वीडियो में आप लाइक कीजिए क्या है कि मैं प्रत्येक वीडियो लेटेस्ट और यूनिक देने की कोशिश करती हूँ यूनिक बनाने में काफ़ी सारे टाइम भी लगता है अगर आपको भी थोड़ी भी पर्सन आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों शेयर करना मत भूलिए अभी तक दीपा नीटिंग चैनल में नए होते तो एक बार जरूर विजिट करिएगा मिलती दूसरा वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद